हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन तीन कलरों की ऊन से और यहाँ पर हमने नीडल ली है 10 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर हम एक नीटिंग डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में, कैप में, सॉक्स में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए सीख लेते हैं कि ये डिजाइन हमने किस तरह से बना के इसको कंप्लीट किया। तो यहाँ पर देखिए, सिंगल धागे से मैंने यहाँ पर इस डिजाइन को बनाने के लिए टोटल 19 फंदे लिए हैं। 19 फंदे डाल के दो रो मैंने यहाँ पर सीधी तरफ से भी उल्टी, उल्टी तरफ से भी उल्टी बॉर्डर के लिए बनाई। आपको जो भी बॉर्डर पसंद है वो बॉर्डर बनाइए और इस डिजाइन को बना लीजिए। तो 19 फंदों से मैं इस डिजाइन को बनाना बताऊंगी कि मैंने ये किस तरह से बनाया। तो डिजाइन की पहली सिलाई सीधी सिलाई, तो यहाँ पर देखिए 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 2, 3, 4 और 5। 5 फंदे सीधे बनाए, 2 फंदे अब हमने यहाँ पर सेकंड कलर लगाएंगे हम, ब्लैक कलर। 2 फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे, 1, 2। आगे 5 फंदे फिर से हम यहाँ पर, तो 5 फंदे फिर से व्हाइट कलर से, 2, 3, 4, 5। 2 फंदे ब्लैक कलर से, 1 और 2। 2 फंदे ब्लैक से, आगे फिर से हम 5 फंदे व्हाइट कलर से, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमने यहाँ पर देखी डिजाइन की पहली सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिजाइन की दूसरी सिलाई, दूसरी सिलाई हमने उल्टी साइड से किस तरह से बनानी है, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। 1, ये व्हाइट वाले फंदे उल्टे बनाए जाएंगे व्हाइट कलर से ही, ब्लैक वाले फंदे ब्लैक कलर से ही उल्टे बनाए जाएंगे, 2 फंदे ब्लैक कलर से, फिर से 5 फंदे ये व्हाइट कलर के उल्टे उल्टे, 2 फंदे ब्लैक कलर से उल्टे, 5 फंदे व्हाइट कलर से उल्टे, लास्ट वाले फंदे को सीधा ताकि किनारे से फिनिशिंग आए। तो दूसरी सिलाई को हमने उल्टी साइड से बनाते हुए यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। डिजाइन की तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए कि ये सिलाई किस तरह से बनाई जाएगी। तो इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब ये 5 फंदे व्हाइट कलर से सीधे, ब्लैक के ऊपर अब की बार यहाँ पर आएगा थर्ड कलर, यानी कि यहाँ पर हम रेड कलर से ब्लैक के ऊपर 2 फंदे रेड कलर से बनाएंगे, 1 और 2, 1 और 2, 2 फंदे ये हमारे यहाँ पर ध्यान से देखिए रेड कलर से, आगे फिर से हमारे 5 फंदे व्हाइट कलर से, 1, 2, 3, 4, 5, आगे फिर से 2 फंदे रेड कलर से, लास्ट के 5 फंदे व्हाइट कलर से, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये दूसरी सिलाई को हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए सीधी साइड से बना के, तीसरी सिलाई को हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए सीधी साइड से बना के कंप्लीट किया। डिजाइन की चौथी सिलाई उल्टी सिलाई, चौथी सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, चौथी सिलाई में अब की बार व्हाइट वाले फंदे उल्टे बनाए जाएंगे और रेड वाले बगैर बुने ऐसे ही उतारे जाएंगे। तो इसे ध्यान से देखना, व्हाइट कलर के उल्टे, इनको अब की बार हमने रेड कलर से बनाना नहीं है, ऐसे ही स्किप करना है, यानी कि फिर से 5 फंदे यहाँ पर उल्टे व्हाइट कलर वाले, 2 फंदे स्किप रेड वाले, 5 फंदे फिर से
उल्टे, इनमें से पांच में से चार उल्टे, लास्ट वाला सीधा ताकि किनारे से फिनिशिंग आए। तो चौथी सिलाई को हमने यहाँ पर उल्टी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिजाइन की हमारी पांचवी सिलाई और यहाँ पर देखिए सीधी सिलाई। पांचवी सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, पांचवी सिलाई है हमारी और यहाँ पर ध्यान से देखिए सीधी सिलाई। पांचवी सिलाई को हमने यहाँ पर अब की बार ध्यान से देखिए एक उल्टा बनाएंगे और दो तीन चार पांच, व्हाइट वाले पांच फंदे उल्टे, जो ये रेड वाले हैं इनको रेड कलर से अब की बार हमने पांचवी सिलाई में सीधा बनाना है। ये रेड वाले आए, अब फिर से बाकी सिलाई यहाँ पर पांचवी सिलाई ब्लैक कलर से बनाई जाएगी, लेकिन रेड वाले फंदे रेड कलर से ही बनाए जाएंगे। ये रेड वाले फंदे हैं, इनको रेड कलर से ही हम दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे, बाकी पूरी सिलाई हम ब्लैक कलर से ही सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। डिजाइन की पांचवी सिलाई सीधी सिलाई, डिजाइन की छठी सिलाई यहाँ पर ध्यान से देखिए उल्टी सिलाई। छठी सिलाई को पूरी सिलाई को ब्लैक कलर से उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब की बार जो ये हमारे रेड कलर वाले फंदे हैं ये इनको भी हमने ब्लैक कलर से ही उल्टा उल्टा बनाना है। लास्ट वाले फंदे को सीधा, तो ये सिलाई हमने बना के कंप्लीट कर ली है। छठी सिलाई बन के कंप्लीट है। डिजाइन की सातवीं सिलाई, सातवीं सिलाई को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए किस तरह से बनाई जाएगी। अब की बार जो ये ब्लैक वाले फंदे रेड के ऊपर ये हमारे यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर से बनाई जाएंगी, बाकी पूरी रो को हम यहाँ पर सातवीं सिलाई को व्हाइट कलर से सीधा बनाएंगे। तो एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने व्हाइट कलर से, दो ब्लैक से बनाएंगे, एक दो, पांच फंदे फिर से हम व्हाइट कलर से बनाएंगे, तीन चार पांच, दो फंदे फिर से ब्लैक कलर से, पांच फंदे फिर से व्हाइट कलर से, एक दो तीन चार और पांच। तो ये सातवीं सिलाई हमने यहाँ पर, तो ये सिलाई हमारी बन के कंप्लीट है। डिजाइन की अगली सिलाई और उल्टी सिलाई, इस सिलाई को हम ब्लैक वाले फंदे ब्लैक कलर से, व्हाइट वाले फंदे व्हाइट कलर से उल्टे उल्टे बनाए जाएंगे। तो ये पांच फंदे व्हाइट कलर से उल्टे, ये ब्लैक वाले फंदे हैं इनको ब्लैक कलर से उल्टा, व्हाइट वाले फंदे हैं इनको व्हाइट कलर से उल्टा, ब्लैक वाले ब्लैक कलर से, पांच फंदे फिर से ये व्हाइट वाले हैं इनको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे लास्ट का फंदा सीधा। तो ये सिलाई उल्टी साइड से बना के कंप्लीट है। डिजाइन की अगली सिलाई और सीधी सिलाई, अगली सिलाई को किस तरह से बनाना, पूरी रो को हमने डिजाइन को गैप देने के लिए व्हाइट कलर से सीधा सीधा बनाना है। तो इसको हमने पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाते हुए ही कंप्लीट करना है। तो ये हमने सीधी साइड से इस सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया है।
डिजाइन की लास्ट सिलाई और उल्टी सिलाई, लास्ट सिलाई को पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा उल्टी साइड से बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं ये उल्टे उल्टे पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये पूरी सिलाई हमने उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। लास्ट वाले फंदे को सीधा, तो ये लास्ट सिलाई हमारी बन के कंप्लीट है। तो ये देखिए इन्हीं सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बड़े में दिखाती हूँ डिजाइन का फाइनल लुक किस तरह से बनता हुआ आए। तो ये देखिए इसी डिजाइन को मैंने थोड़ा सा बड़े में दिखाया है कि फाइनल लुक डिजाइन का कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।